सो हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए एक न्यू रिचार्ज प्लान की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। दोस्तों यहां पर BSNL कंपनी ने हाल ही में एक न्यू रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया है, जिसका यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्राइस रखा गया है 87 रुपीज, यानी कि 87 रुपए। तो इस वीडियो में आपको BSNL का जो भी न्यू रिचार्ज प्लान लॉन्च हुआ है 87 रुपीज यानी कि 87 रुपए का, इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, BSNL कंपनी की तरफ से जो भी वेल्टी से रिलेटेड एक रिचार्ज प्लान आता था, वो रिचार्ज प्लान यहां पर कंपनी ने यहां पर बंद कर दिया। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही रिचार्ज प्लान की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं BSNL की तरफ से कौन सा ऐसा रिचार्ज प्लान वेल्टी से रिलेटेड आता था जो कि यहां पर BSNL कंपनी ने कंप्लीटली बंद कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप एक BSNL सिम कार्ड यूजर हैं, तो ऐसे में आप सभी BSNL यूजर्स को जो भी BSNL का 106 रुपीज यानी कि 106 रुपए का रिचार्ज प्लान आता था, उसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। जिस रिचार्ज प्लान को अगर आप लोग अपने BSNL के नंबर पर कराते थे, तो ऐसे में आप लोगों को 100 SMS एक ही बार आप लोगों को मिल जाते थे, जिसमें आपको 3 GB का डेटा मिलता था। और इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी कंपनी की तरफ से आपको 84 डेज यानी 84 दिनों के लिए मिल जाती। तो दोस्तों यहां पर BSNL कंपनी की तरफ से जो भी 106 रुपए का रिचार्ज प्लान पहले आता था, इस रिचार्ज प्लान को कंपनी की तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ऐसे में आप लोग अपने BSNL के नंबर पर 106 रुपए के रिचार्ज प्लान को बिल्कुल इस टाइम नहीं कर सकते हो। तो अब आप लोगों को यहां पर 106 रुपए के रिचार्ज प्लान के बदले में कौन से रिचार्ज प्लान को अपने BSNL के सिम कार्ड पर करना है। तो दोस्तों यहां पर BSNL की तरफ से इससे ऊपर का जो भी रिचार्ज प्लान आता है 107 रुपए का, यानी कि 107 रुपीज, इस रिचार्ज प्लान को आप लोग यहां पर BSNL के नंबर पर कर सकते हैं। इस रिचार्ज प्लान के बेनिफिट की बात की जाए, तो इस रिचार्ज प्लान में सबसे पहले आप लोगों को 200 मिनट मिल जाते हैं एक ही बार। इसमें आपको 3 GB का डेटा मिलता है एक ही बार। इसमें आपको कोई भी SMS की सुविधा नहीं दी जाती है। और इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी की बात करें, तो इसमें आपको पूरे 50 दिन यानी 50 डेज इसकी वैलिडिटी आप सभी यूजर्स को BSNL कंपनी प्रोवाइड कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर BSNL का जो भी 106 रुपए का रिचार्ज प्लान आता था, उस रिचार्ज प्लान के बदले में आप यहाँ पर 107 रुपए के रिचार्ज प्लान को आप अपने BSNL के सिम कार्ड में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर BSNL की तरफ से जो भी हाल ही में लॉन्च किया है 87 रुपीज का रिचार्ज प्लान, इसकी मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर BSNL की तरफ से जो भी 87 रुपीज यानी कि 87 रुपए का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, इसमें आपको BSNL की तरफ से सबसे पहले अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर इस रिचार्ज प्लान में 1 GB का डेटा पर डे दिया जाता है। इसमें आप लोगों को 100 SMS पर डे दिए जाते हैं। बात की जाए इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी की, तो इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी कंपनी ने आप सभी यूजर्स को प्रोवाइड की है मात्र 14 दिनों के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं और उसमें आप लोग अपने BSNL के सिम कार्ड को यूज करते हैं, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर अपने BSNL के सिम कार्ड में 87 रुपीज जो भी BSNL का न्यू रिचार्ज प्लान आया है, इस रिचार्ज प्लान को कर सकते हैं, क्योंकि इस रिचार्ज प्लान में काफी कम पैसों में आप सभी यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS और डेटा की सुविधा मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर BSNL के सिम कार्ड में सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग और वैलिडिटी से रिलेटेड रिचार्ज प्लान की कंप्लीट जानकारी चाहिए है, तो ऐसे में आप लोगों को इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कौन सा रिचार्ज प्लान आपको वैलिडिटी से रिलेटेड अपनी BSNL के सिम कार्ड में करवाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।